नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन शेयर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टाटा पावर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं इस मंथ में आपको टाटा पावर कहाँ तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आया है टेक्निकली, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में बहुत कुछ टेक्निकली भी सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ टाटा पावर में हम लोग किस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, क्या हम लोगों का टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम लोग इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर टाटा पावर में देखेंगे, टाटा पावर में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट और भी स्पेशल हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली जो है 200 टू 266 इस रेंज में आपको लास्ट 6 मंथ से कंटिन्यू स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा एक रेंज बनाया है, 6 मंथ तक इसी रेंज में कंसोलिडेट किया है। फाइनली आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद आज के सेशन में भी यहाँ पे जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोजिंग क्लोज हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक का जो है ऑल टाइम हाई यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त जो है फिर से एक फ्रेश तेजी यहाँ पे बन सकता है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं जो आपको इस स्टॉक में हम लोगों का आगे का प्लान क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कल एंट्री ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है बिल्कुल ब्रेकआउट पे एंट्री लिए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने आज भी एंट्री लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर रिटेस्ट हो जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है आपको ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अपने ब्रोकन रेसिस्टेंस को फिर से रिटेस्ट करता है, वहां पे आपको जो है एक कंफर्मेशन लेता है, उसके बाद ही यहाँ पे जो है आपको ऊपर की साइड निकलता है। क्योंकि कभी भी अगर यहाँ पे एक बार जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर निकलता है, बहुत से लोग आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाए होंगे, अब वो लोग सोच रहे होंगे जी यहाँ पे स्टॉक ऊपर चला गया है ऑलरेडी, अपने ब्रेकआउट लेवल से मोर देन आपको 10 to 15% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक बार अगर यहाँ पे रिटेस्ट हो जाए या फिर एक बार अगर पुल बैक मिल जाए तो वो सभी लोग यहाँ पे जंप करने के लिए जरूर देखेंगे, वो सभी लोग जो है आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखेंगे। तो इसी वजह से जैसे ही ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है, स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने नीचे के लेवल से पोजिशन बनाया हुआ है, 200, 150, 250 इन सभी लेवल से पोजिशन बना हुआ है, बिल्कुल अभी वेट आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है एक अच्छे प्रॉफिट में है आप लोगों के लिए। जो है जो भी जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे बाइंग किया है, आप सभी लोग एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। फ्रेश एंट्री जो है आप करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं, या फिर रिटेस्ट होने का भी वेट कर सकते हैं। आप कुछ पोजिशन यहाँ ऐड कर सकते हैं और कुछ पोजिशन जो है आपका रिटेस्ट होने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि अगर सपोज यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है जो आपको बिना रिटेस्ट किए ही स्टॉक ऊपर की साइड मोमेंटम कर देता है, तो फिर आप यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड मिस नहीं करेंगे। और इनकेस अगर रिटेस्ट हो जाता है तो फिर आपके पास फंड बचा रहेगा, जिससे कि और ज्यादा जो है आप यहाँ पे पोजिशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो पहला टारगेट आएगा वो हम लोगों का 330 का आएगा। 330 का टारगेट क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अगर इस रेंज को देखेंगे तो ये रेंज जो है ये आपको 65 पॉइंट का रेंज है, जो कि आपको 200 से 265 पॉइंट का एक रेंज है। तो जनरली जब भी आपको चैनल पैटर्न का एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो पहला टारगेट रहता है वो आपको चैनल लेंथ के इक्विवेलेंट रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपर बैंड माइनस लोअर बैंड करेंगे और इसको अगर ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 330 का टारगेट मिलता है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। मे बी विद इन जो है आपको 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन में ही ये स्टॉक जो है आपको 330-340 के पास ट्रेड करता हुआ दिख जाए। उसके ऊपर जो है हम लोग 400 का भी लेवल देख सकते हैं, लेकिन वहां पे उस लेवल तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो इमीडिएट लेवल नहीं आएगा। लेकिन इस मंथ में हम लोग 330-350 के रेंज तक जो है स्टॉक आपको इजीली वहां तक जा सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक में अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आप लोग देख रहे हैं, तो 330-350 के टारगेट के लिए आप लोग यहां पे जो है पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की साइड पहला स्टॉप लॉस जो है वो आपको 200 करेगा।
ऊपर की साइड एक बार अगर 330 का टारगेट आपका अचीव हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है हम लोग 400 के टारगेट के लिए भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।